दोस्तों नमस्कार, hindicoin.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं मेरा प्रिय शौक के बारे में। मेरा प्रिय शौक छोटी कक्षाओं में छात्रों के निबंध के रूप में लिखने को आता है, तो हम मेरा प्रिय शौक उसी रूप में बात कर रहे हैं। शौक वह कार्यकलाप है जो हम अपने बचे हुए समय में करते हैं। यह मुख्य रूप से आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता है और फुर्सत का समय बिताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मेरे कई शौक़ हैं, जैसे भोजन पकाना, पढ़ना, क्रिकेट खेलना और यहाँ तक कि पतंगे उड़ाना, किंतु बागवानी मेरा सबसे प्रिय शौक़ है। मुझे बगीचे में पौधे उगाना अच्छा लगता है। एक बीज को अंकुरित होकर बड़े वृक्ष में रूपांतरित होते और फिर उसे पत्तियों और फूलों वाले बड़े पौधे के रूप में विकसित होते देख मुझे अपार खुशी होती है। हालांकि मैं छोटे मकान में रहता हूं और मेरे यहां बड़े बगीचे के लिए स्थान नहीं है, किंतु मेरे मकान के पिछवाड़े में एक छोटा सा बगीचा है। वहां मैं छोटे छोटे भूखंड बनाए हैं जिसमें मैं कुछ प्रकार की सब्जियां उगाता हूं। वहां बैंगन, भिंडी, टमाटर और कुछ हरे पत्ती वाली सब्जियां जैसे पालक आदि के पौधे लगाए गए हैं। इन्हें बहुत अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी सी खाद, अच्छी तरह से जुताई की गई जमीन और नियमित रूप से पानी देना, बस इतने भर की इन्हें जरूरत होती है। मैं एक अच्छा माली भी हूँ, क्योंकि मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूँ अपने पौधों की उपेक्षा कभी नहीं करता। मेरे छोटे से बगीचे से जो उपज प्राप्त होती है उसे न केवल मेरे घर में बल्कि पड़ोसियों के यहाँ भी अक्सर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। मैंने अपने घर के सामने गमले में पौधे लगा के रखे हैं। उनमें से कुछ गुलाब और डिजी जैसे फूलों के पौधे भी हैं, किंतु ये मौसमी पौधे होते हैं। वहाँ अन्य तरह के फूल और घर के भीतर रखे जाने वाले पौधे भी हैं। इनकी पत्तियाँ अलग अलग स्वरूप और आकार की होती हैं, जो मेरे घर की खूबसूरती में वृद्धि करती हैं और मेरे शौक को भी पूरा करती हैं। सुबह सुबह गृह वाटिका में चहल कदमी करने से शरीर में ताजगी आती है। सुगंधित फूलों से युक्त मेरी गृह वाटिका आस पड़ोस के वातावरण को खुशनुमा बना देती है। मेरा शौक मुझे तन और मन की प्रसन्नता प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।